हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आपका जो कॉपी और पेस्ट करने का तरीका है वो ज्यादा आसान, ज्यादा फास्ट और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो यार, यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल चीजें कॉपी करनी होती है और उन्हें दूसरी जगह पे, अलग अलग जगह पे पेस्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे किसी वेबसाइट के नेम सर्वर चेंज करने हैं, तो मैं पहले इसे कॉपी करूंगा, उसके बाद इसे यहाँ पे पेस्ट करूंगा, फिर मैं दूसरे वाले को कॉपी करूंगा और उसके बाद मैं दूसरे वाले को यहाँ पे पेस्ट करूंगा। और ऐसा ही कुछ आपको फोटोशॉप में भी करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कुछ ब्रांड कलर्स इस लोगो से निकाले हैं, अब मुझे कुछ इस लोगो के कलर से ही डिजाइन करना है, तो मुझे यही कलर यूज करने होंगे। तो मैं यहाँ से बार बार कॉपी करके इसे बार बार ढूंढ के यहाँ से ओपन करूंगा, उसके बाद यहाँ भी इस कलर को पेस्ट करूंगा, फिर मैं किसी दूसरे कलर को यहाँ से पेस्ट करूंगा। तो यार, काफी ज्यादा ये लंबा प्रोसीजर हो जाता है और थोड़ा सा ये परेशानी वाला काम हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास विंडोज में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। जब आप उस ऑप्शन को ऑन करते हैं, फिर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली, अगर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, आप सिंपली इसे भी कॉपी कर लीजिए और इसे भी कॉपी कर लीजिए, और चाहे आप 10 और चीजों को भी कॉपी कर लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी की जगह यहाँ पे आपको विंडोज प्लस वी दबाना होगा, और यहाँ पे आपके पास जितने भी आपने ये चीजें कॉपी की है वो सारी यहाँ पे आपके पास दिख जाएंगी। जैसे विंडोज प्लस वी और यहाँ पे ये चीज दूसरी वाली पेस्ट कर दी। तो यार, एक ही बार कॉपी करके मैंने यहाँ पे दोनों चीजों को पेस्ट कर लिया, और उसके बाद मैं इसे अपडेट कर दूंगा तो ये मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ डिजाइन कर रहा हूँ, तो मैं इन सारे जो कलर्स है उनको पहले ही एक ही बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे कॉपी, इसे भी कॉपी कर लेता हूँ। तो ये चारों के चारों कॉपी हो गए। अब मैं अगर विंडोज प्लस वी कहीं पे भी दबाऊंगा, तो यहाँ पे ये चारों के चारों कलर्स मुझे दिख जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई एक शेप ले रहा हूँ और इसको मैं कोई कलर देना चाह रहा हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं उस कलर को यहाँ पे डायरेक्टली चूज करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, काफी ज्यादा फास्ट हो जाते हैं हम। हमें बार बार अब उसे ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं एक और यहाँ पे रेक्टेंगल ले रहा हूँ, तो मुझे बार बार इसे कलर को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं सिंपली उसी ऑप्शन की मदद से यहाँ पे दूसरे कलर्स को भी चूज कर सकता हूँ, और इस तरीके से मैं यहीं पे डायरेक्टली इसी तरीके से यहाँ पे ये शेप्स वगैरह भी क्रिएट कर सकता हूँ और उन्हें कलर भी कर सकता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी जगह पे हमें जरूरत पड़ती है जहाँ पे मल्टीपल चीजें कॉपी की होती है और हमें उन्हें अलग अलग जगह पे पेस्ट करना होता है, तो वो वाली चीज में ये चीज आपकी हेल्प करेगी। लेकिन यहाँ पे पहले आपको इस ऑप्शन को ऑन करना होगा। उसके लिए आपको विंडोज के स्टार्ट मेनू में क्लिपबोर्ड सर्च करना होगा, और उसके बाद आपके पास ये सेटिंग आ जाएगी। इस सेटिंग को आपको ओपन करना है और इन तीनों ऑप्शंस को आपको स्टिक करना है। जैसे ही आप ये कर लोगे, उसके बाद आप कहीं पे भी अगर कंट्रोल प्लस वी दबाते हो, तो आपके पास जो भी कॉपी की हुई चीजें हैं वो आपके पास इस तरीके से दिख जाएंगी। तो यार, ये रहता है तभी तक जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहे, उसके बाद आपको फिर से एक बार कॉपी करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इस टाइम पे अपने लैपटॉप को बंद कर देता हूँ, तो ये सारी चीजें डिलीट हो जाएगी। तो यार, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, तो यार आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई दे देता हूँ। और इसके अलावा फोन में आप इस चीज को किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको जल्दी नई वीडियो में बता दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।